हेलो फ्रेंड्स, मैं हरेंद्र प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशन चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स आज हम लोग इस वीडियो में अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करेंगे उपभोग का व्यवहारिक महत्व। फ्रेंड्स, इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने उपभोग के सैद्धांतिक महत्व के बारे में बताया था, उपभोग क्या होता है ये बताया था, उपभोग की विशेषताएँ क्या होती हैं ये बताया था। इस वाले वीडियो में हम लोग केवल अध्ययन करेंगे उपभोग का व्यवहारिक महत्व क्या होता है, उपभोग के व्यवहारिक महत्व के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। हमने यहाँ पर पॉइंट्स लिख दिए हैं कि इसका व्यवहारिक महत्व क्या क्या होता है। मैं एक एक पॉइंट्स को आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। तो फ्रेंड्स, उपभोग के व्यवहारिक महत्व में पहला टॉपिक आता है कि गृह स्वामियों अथवा उपभोक्ताओं के लिए महत्व। ये पहला हेडिंग है इसका कि गृह स्वामी अथवा उपभोक्ताओं के लिए महत्व। अब गृह स्वामियों और उपभोक्ताओं के लिए कैसे महत्व होता है, आइए इसको देखते हैं। देखिए, व्यक्ति के पास आय सीमित होती है और आवश्यकताएं अनंत होती है। आप जानते हैं कि हर व्यक्ति की आवश्यकताएं अनंत होती हैं, लेकिन आय उसकी सीमित होती है। अपनी सीमित आय से व्यक्ति अधिकतम संतुष्टि चाहता है। वह चाहता है कि जो मेरे पास सीमित आय है उसको ऐसे खर्च करूं कि मुझे अधिक से अधिक संतुष्टि मिल सके। उपभोग के सिद्धांत जैसे कि उपयोगिता ह्रास नियम, सम सीमांत उपयोगिता नियम, प्रतिस्थापन का नियम तथा पारिवारिक बजट आदि का प्रयोग करके व्यक्ति अपनी सीमित आय से अपनी संतुष्टि को अधिकतम कर सकता है। एक बार मैं फिर से इस पॉइंट को दोहरा रहा हूँ फ्रेंड्स, इसमें गृह स्वामित्व और उपभोक्ताओं के लिए कैसे महत्व है, क्योंकि व्यक्ति के पास आय सीमित होती है और आवश्यकताएँ उसकी अनंत होती हैं। अपनी सीमित आय से व्यक्ति अधिकतम संतुष्टि चाहता है, लेकिन अब उसे अधिकतम संतुष्टि मिलेगी कैसे मिलेगी उसको, तो उपभोग के जो सिद्धांत हैं, कौन कौन से सिद्धांत हैं, उपयोगिता ह्रास नियम क्या है कि जैसे जैसे हम किसी चीज़ का उपभोग करते जाते हैं उससे मिलने वाली उपयोगिता धीरे धीरे कम होती जाती है और वो भी घटते क्रम में। सम सीमांत उपयोगिता नियम, जैसे कि उपभोग की जाने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं, जैसे चार इकाई है तो चारों हम ऐसे उपभोग करें कि प्रत्येक इकाई से मिलने वाली उपयोगिता बराबर सम हो। और प्रतिस्थापन का नियम तथा पारिवारिक बजट का नियम आदि का प्रयोग करके व्यक्ति अपनी सीमित आय से अपनी संतुष्टि को अधिकतम कर सकता है। इस प्रकार यह गृह स्वामियों अथवा उपभोक्ताओं के लिए इसका काफ़ी महत्व है। अब दूसरी हेडिंग है समाज सुधारक के लिए महत्व। अब समाज सुधारकों के लिए उपभोग का क्या महत्व है, आइए इसको भी देखते हैं। देखिए, एक समाज सुधारक क्या है, एक समाज सुधारक समाज से उपभोग प्रवृत्तियों की जानकारी करके ही समाज में प्रचलित कुरीतियों तथा उपभोक्ता की बुरी आदतों को दूर करने का प्रयास करता है। जैसे कि हानिकारक वस्तुएं कुछ हैं, जैसे शराब है, गांजा है, नशीली दवाएं हैं, का उपभोग कम करने के लिए समाज सुधारक व्यक्तियों को प्रेरित करता है। फिर से मैं बता दूं, एक समाज सुधारक क्या करता है कि वह समाज में जो है व्यक्तियों की उपभोग की प्रवृत्तियों को जानता है, जानने की कोशिश करता है। अब जैसे समाज में लाभकारी वस्तुएं भी हैं जो व्यक्ति के लिए लाभकारी हैं, व्यक्ति उनका भी उपभोग करता है, और कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो उसके लिए हानिकारक है, जैसे शराब है, गांजा है, नशीली दवाएं हैं, अफीम है, चरस है, तो वह जो है उनको उन व्यक्ति की उपभोग प्रवृत्तियों का ज्ञान करता है कि समाज के कितने लोग इसमें लिप्त हैं, वह जो है उनकी कितनी आय जो है इन पर जो है खर्च हो रही है, उन सभी की जानकारी लेने के बाद जो है वह समाज सुधारक क्या करता है कि व्यक्तियों को इन वस्तुओं का उपभोग कम करने के लिए प्रेरित कर सकता है। अब थर्ड क्या है, उत्पादकों तथा व्यापारी वर्ग के लिए महत्व। क्या उत्पादकों के लिए भी इसका महत्व है और व्यापारी वर्ग के लिए। अब उत्पादकों तथा व्यापारी वर्ग के लिए इसका महत्व कैसे आया इसको भी देखते हैं। देखिए, उत्पादक उपभोग के अनुरूप ही उत्पादन की मात्रा एवं किस्म का निर्धारण करते हैं। उत्पादक जो है उपभोग के अनुरूप ही उत्पादन की मात्रा एवं किस्म का निर्धारण करते हैं, मतलब वह जो है वह देखेंगे कि किस कि वह ये देखेंगे कि लोगों को किस चीज़ की आवश्यकता है, पहले उसको उत्पादित करेंगे और लोग कितनी मांग कर रहे हैं तो उसकी मात्रा को निर्धारित करेंगे ताकि वे बिक्री की मात्रा बढ़ाकर अधिकतम लाभ प्राप्ति कर सकें, क्योंकि उत्पादकों का उद्देश्य ही होता है लाभ प्राप्ति करना। इसके अतिरिक्त भावी मांग का अनुमान लगाने के लिए भी उपभोग का अध्ययन आवश्यक है। उपभोग का अध्ययन जो है भावी मांग
मांग का अनुमान लगाने के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि जब तक उत्पादक जो है या जो व्यापारी हैं उन्हें आगे किस वस्तु की क्या मांग होगी, किस सीजन में किस चीज़ की अधिक मांग की जाती है, तो और कौन सा वर्ग जो है किस चीज़ की खपत अधिक करता है, विलासिता की वस्तुओं की कि जरूरी वस्तुओं की, तो यह जो है उनको भावी मांग का अनुमान लगाने की आवश्यक है कि हम कितना माल मंगाएं। व्यापारी वर्ग सोचता है या जो उत्पादक वर्ग हो वो सोचता कि जो है आगे 2 महीने में 3 महीने में या 4 महीने में जो मैं वस्तु उत्पादित कर रहा हूँ उसकी मांग कितनी बढ़ेगी, उसी के अनुसार वह वस्तुओं का उत्पादन करके मार्केट को रेडी रखता है। इस प्रकार जो है व्यापारी उत्पादक दोनों जो है उपभोग की जानकारी से रखते हैं ताकि उन्हें भावी मांग का अनुमान लगा सके। और वास्तव में व्यापार की सफलता जो है सही पूर्वानुमान पर ही निर्भर करती है। अब अगली हेडिंग है एकाधिकारी के लिए महत्व। एकाधिकारी के लिए महत्व, एकाधिकारी मतलब क्या होता है, वह व्यक्ति जिसका पूर्ति व पूर्णतया नियंत्रण होता है या उसके प्रतियोगिता में दूसरी उत्पादक नहीं होते या दूसरी कंपनियां नहीं होती या दूसरी फर्म नहीं होती, उसका बाजार पर जो है नियंत्रण होता है तो उसे एकाधिकारी कहते हैं। तो एकाधिकारी के लिए भी उपभोग की जानकारी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो कैसे रखती है ये देखिए, कह रहा है कि एकाधिकारी वह व्यक्ति होता है जिसका किसी वस्तु की पूर्ति पर नियंत्रण होता है। एकाधिकारी वह व्यक्ति होता है जिसका किसी वस्तु की पूर्ति पर नियंत्रण होता है, अतः वस्तु के मूल्य को वह स्वयं ही निश्चित करता है। एकाधिकारी का वस्तु की पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण होता है, इस प्रकार जो है वस्तु के मूल्य को वह स्वयं निश्चित करता है। मूल्य निश्चित करते समय उसे ग्राहकों की उपभोग संबंधी आदतों का विशेष ध्यान रखना होता है। कराए कि मूल्य निश्चित करते समय उसे ग्राहकों की उपभोग संबंधी आदतों का विशेष ध्यान रखना होता है कि कौन सा वर्ग किस वस्तु का अधिक उपभोग करता है, वो जरूरी वस्तुएं हैं कि विलासिता की वस्तुएं हैं, कि वे कैसी वस्तुएं हैं, उनकी मांग की लोच क्या है, तो इन सभी का उसको ध्यान रखना पड़ता है। वह ऐसी वस्तुओं के ऊँचे मूल्य निर्धारित कर सकता है जिनसे उपभोक्ता को अधिक बचत प्राप्त होती है। कराए वो ऐसी वस्तुओं के ऊँचे मूल्य निर्धारित कर सकता है जिनसे उपभोक्ता को अधिक बचत प्राप्त होती है। वह वस्तुओं की मांग की लोच को भी ज्ञात करके कि किस वस्तु की मांग की लोच अधिक है, किसकी कम है, किसकी बेलोच है, किसकी अनंत है, उसी के अनुसार अपनी उत्पादित की वस्तु के मूल्य को निर्धारित करके वो अपने लाभ को अधिकतम कर सकता है। अब नेक्स्ट हेडिंग है सरकार के लिए महत्व। सरकार के लिए इसका क्या महत्व है, देखिए विलासी वस्तुओं के उपभोग को हतोत्साहित करके और आवश्यक वस्तुओं के उपभोग को प्रोत्साहन देकर सरकार उपभोग की असमानताओं को कम कर सकती है। देखिए हमारे समाज में जो है उपभोग की जो है असमानताएं जितनी अधिक व्याप्त होंगी लोगों का आर्थिक कल्याण उतना ही कम होगा। एक तरफ ऐसे लोग हैं जो कि विलासतापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी वस्तुओं का उपभोग कर रहे हैं, सुख चैन से उनका जीवन है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जिनको कि खाने के लिए पर्याप्त नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, तो यह जो है समाज के एक आदर्श स्थिति को नहीं बताता है। तो सरकार क्या कर सकती है, सरकार को यदि उपभोग प्रवृत्ति का ज्ञान हो तो वह जो है सरकार विलासी वस्तुओं के उपभोग को हतोत्साहित कर सकती है और आवश्यक वस्तुओं के उपभोग को प्रोत्साहन देकर सरकार उपभोग की असमानता जो लोगों के बीच है वो कम कर सकती है। तो ये रहा सरकार के लिए महत्व। अब लास्ट है अर्थशास्त्रियों के लिए महत्व। इसका अर्थशास्त्रियों के लिए क्या महत्व है, देखिए अर्थशास्त्रियों के लिए इसका कैसे महत्व है, देखिए कह रहे हैं कि उपभोग का अध्ययन अर्थशास्त्र के लिए भी महत्वपूर्ण है। जैसे उपभोग आवश्यकताओं का बोध कराता है और इसके आधार पर जन कल्याण की योजनाएं बनाई जा सकती है। देखिए व्यक्ति उपभोग क्यों करता है, क्योंकि उपभोग से उसे किसी आवश्यकता की संतुष्टि होती है। तो जब हम उपभोग के बारे में जानेंगे तो हम व्यक्ति की आवश्यकता के बारे में जानेंगे, और जब सरकार को जो है व्यक्ति सरकार को या अर्थशास्त्री को व्यक्ति की आवश्यकताओं का ज्ञान होगा तो वह जो है आर्थिक जो कल्याणकारी योजनाएं सरकार द्वारा या अर्थशास्त्रियों द्वारा सुझाई जा सकती हैं जिसको अप्लाई करके जो है अधिक से अधिक लोगों का कल्याण किया जा सकता है। हम तब तक जो है जन कल्याण योजनाएं नहीं बना सकते जब तक उपभोग को नहीं जानेंगे, व्यक्ति लोगों की आवश्यकताएं क्या है इसको नहीं जानेंगे।
तो अगर हम उपभोग को जान गए तो व्यक्ति की आवश्यकता है क्या, हम इसको भी जान जाए। और इसके बारे में और भी है, जैसे कि उपभोग की जानकारी कर पारिवारिक बजटों का अध्ययन कर मनुष्यों के रहन सहन के स्तर का पता लगा सकते हैं और उनमें सुधार के लिए सुझाव दे सकते हैं। देखिए, हम उपभोग की जानकारी, अगर हमको उपभोग की जानकारी हो गई तो हम एक परिवार का बजट भी हमको मालूम हो जाएगा कि व्यक्ति जो है, एक परिवार में जो व्यक्ति है वह किन किन वस्तुओं पर कितना कितना खर्च कर रहा है। इस प्रकार हमें व्यक्ति के रहन सहन का स्तर का भी पता लग जाएगा कि वह जो है एक गरीबी के स्तर का जीवन जी रहा है कि या वह एक विलासतापूर्ण जीवन के स्तर व्यतीत कर रहा है। तो उसके अनुसार हम सरकार जो है योजनाएँ बना सकती है और लोगों के कल्याण में वृद्धि कर सकती है। उसके बाद है और भी है, जैसे कि उपभोग के विषय में विस्तृत जानकारी के आधार पर ही आर्थिक नीतियों का निर्माण संभव होता है। जब तक, देखिए, आर्थिक नीतियाँ तब तक नहीं बनाई जा सकती जबकि उपभोग के, लोगों के उपभोग की आदतों के बारे में अच्छी तरह से ज्ञान न हो। हमें जो है, हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा तबका है या जो देश का जो भिन्न भिन्न तबके हैं वह जो है उनकी उपभोग संबंधी आदतें क्या हैं, वह कितने लोग हैं जो अपनी आय को जरूरी वस्तुओं पर खर्च करते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो विलासतापूर्ण वस्तुओं पर खर्च करते हैं, उनकी संख्या क्या है। तो उसी के आधार पर जो है आर्थिक नीतियाँ बनाई जाती हैं, जनकल्याण योजनाएँ चलाती हैं और इस आर्थिक असमानता को कम करने का प्रयास किया जाता है, उपभोग असमानता को कम करने का प्रयास किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये रहा उपभोग का व्यावहारिक महत्व, हमने अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है और आशा करता हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा। एक या दो बार देख लीजिएगा तो ये सारे जो है पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे और आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, परीक्षा में आसानी से ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।